एक्चुअली वेरी टफ फॉर हिम टू मेंटेन दैट लाइन. कहीं बीच में एक लाइन उसको ड्रॉ करनी पड़ती है कि कहीं अमायरा को बुरा भी ना लगे और अमायरा को सही सीख भी मिले, उसको ये भी ना लगे कि मैं कुल्फी से ज़्यादा कर रहा हूँ. तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पेरेंटिंग में होती है वो, यू नो, कि बना बच्चे बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं. किसी को ज़्यादा प्यार करते हो तो अब दूसरा बड़ा फील कर लेता है जल्दी, क्योंकि दिमाग हमारा तो हमारा ऐसे ही कर चलता है. मैं बचपन में, मुझे ऐसा होता था कि मैं बुरा मान जाता था, मेरे बड़े भैया को प्यार ज़्यादा मिलता था. मैं हमेशा बुरा फील करता था, मुझे ज़्यादा प्यार नहीं मिलता है, मैं अडॉप्टेड हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आते थे. तो यू नो, वो आई एम श्योर वो बच्चों में आते हैं. तो वो वही होता है यहाँ पे भी सीन में, और शो में भी अभी चल ही रहा है इस दौरान, कि अमायरा जेलस हो जाती है. कहीं ना कहीं इसको लगता है कि मैं कुल्फी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि कुल्फी ज़्यादा अच्छा गाती है और वो नहीं गा पाती. बट ही नोज़ दिस, ये जानता है सिकंदर कहीं ना कहीं कि यू नो, कि कैसे वो बैलेंस करना है दोनों को. बट कर रहा है अपनी तरह से, कोशिश कर रहा है दोनों को पालने की. और तब तो कुल्फी वो चाहता है कि दोनों बड़े प्यार से रहें, लड़े ना. और वही इस सीन में भी है, अभी आप देखेंगे तो ये आके बस जो सही है, जो सही है उस पर बोलता है कि आप अमायरा ने जब गलत किया तो बेशक वो उसकी बेटी है, लेकिन वो बोलेगा कि आपने गलत किया है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए. अब उसको बुरा लग जाता है क्योंकि उसको आदत नहीं है सुनने की, कोई सुना, बचपन से उसने सुना नहीं है इतना. अब कोई सुनाता है, सिकंदर बोलता है, तो उसको बुरा लगता है. बट सिकंदर फिर पैसिफाई भी कर देता है, उसको ठीक कर देता है. ही नोज़ हाउ टू यू नो मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद हिज डॉटर्स. वो तो अभी आगे पता चलेगा, लेकिन इस सीन में तो मैं खैर कामयाब हो जाता हूँ. और नहीं, बट अमायरा थोड़ा, अमायरा को बुरा लगता है. इसके आगे एक सीन है जहाँ पे मैं अमायरा को समझाता हूँ कि अगर आपको जेलसी फील होती है तो जेलस मत फील करो, कॉम्पिटिशन में लो उसको, क्योंकि जेलसी आपको कहीं लेके नहीं जाएगी, कॉम्पिटिशन लेके जाएगा. तो अगर आपको लगता है वो आपसे अच्छा गाती है तो उससे अच्छा गा के दिखाओ, मेहनत करो. तो वो समझती है कहीं ना कहीं.